हेलो फ्रेंड्स, आप सबका गीताज वर्ल्ड में स्वागत है। और आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, मेरी एक सब्सक्राइबर है उनके डिमांड पे मैंने बनाया है। उन्होंने, उनका नाम है पूनम मौर्य, उन्होंने जो है मुझसे डिमांड की थी कि आप जो है बालूशाही की रेसिपी अपलोड करिए, तो मैंने आज ये रेसिपी उन्हीं के नाम पर है और ये अब बनाती हूँ। और आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई हो धनतेरस की, थैंक यू। और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि मैं क्या बना रही हूँ। बना रही हूँ बालूशाही, तो जिसके लिए मेरे पास बची हुई थी चाशनी। चाशनी हमने गुलाब जामुन बनाया था, उसकी चाशनी बची हुई थी। और ये मैं छोटे छोटे टिप्स भी आपको आगे देती रहूँगी कि आप चाशनी बनाइए तो कहाँ तक बने, किस तरह से बनानी चाहिए। अब इसे मैं साइड में रखती हूँ और ये देखिए हमारी बालूशाही कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। और आप जब तोड़ेंगे ना तो उसमें से अंदर से लेयर लेयर जैसे दिखाई देगी बालूशाही, ये और सॉफ्ट सॉफ्ट रहेगी और ऊपर से लेयर में रहेगी। और इसे आप ऊपर पिस्ते लगाकर सजा दिया, आप इसमें चांदी के वर्क भी लगा सकते हैं। और ये मैं दिखाती हूँ आपको, अंदर पूरा लेयर जैसा दिखेगा। और आप साइज जो है मैंने छोटी रखी है, आप जितनी बड़ी चाहे उतनी बड़ी बना सकते हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करेंगे, जिसके लिए हमने लिया है एक कटोरी में, आप जो भी चाहे वो बर्तन यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक सिंपल सा है, 1/4 हमको जो है घी डालना है। हमें अगर हमने जो है एक कटोरी लिया है तो इसकी चौथाई जो हिस्सा होता है वो हम यहाँ पे घी डालेंगे। और साथ में हम डालेंगे थोड़ा सा मीठा बना रहे हैं, बालूशाही बना रहे हैं, मीठा बना रहे हैं, तो थोड़ा सा हमें यहाँ नमक डालना चाहिए। तो हमने चुटकी भर नमक डाला है और साथ में डाला है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है 1/4 से भी थोड़ा कम ही है, तो एक छोटी चम्मच जो होती है, बहुत छोटी चम्मच, उसका आप जो है समझ लीजिए 2-3 चुटकी भर हमने इसमें बेकिंग सोडा डाला है, क्योंकि हमने बहुत थोड़ा सा बना रही हूँ। उसका सीधा सा है, अगर आप एक कटोरी ले रहे हैं तो उसका चौथाई हिस्सा घी डालना है और जो है एक चम्मच के भी चौथाई हिस्सा जो है हमको डालना है बेकिंग सोडा। यहाँ पे बेकिंग सोडा का ही आप यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। और इसे हल्के हाथ से, हमें आटे जैसे रोटी का बनाते वैसा इसे नहीं सानना है, बहुत हल्के हाथ से हमें इसे बांधना है, क्योंकि हमें इसे रगड़ना नहीं है, केवल आटों को एक साथ मिला देना है। और यहाँ पर देखिए ना, जितना हमने घी लिया था उतना ही हमने यहाँ पानी लेकर यूज़ किया है, इससे आपको अंदाज़ लग जाएगा कि कितना पानी लगता है। तो यहाँ पे देखिए हम मसल नहीं रहे हैं आटों को, खाली हम एक दूसरे में मिला रहे हैं। यहाँ हमें रोटी के जैसे मसलना नहीं है, सारे आटों को खाली एक करना है। इससे क्या होती है, लेयर बनता है। देखिए आपको दिखाते चलेंगे, यहाँ सारा जो है हम आटा सानने में ही पूरा वीडियो बनाएंगे। आटा सानने में सारा ध्यान देना है, इस तरह से हमें पूरा हाथ से पकड़ पकड़ कर जो है हमें आटा को एक करना है, जो हमने मैदा लिया है उसको एक करना है। और देखिए बिल्कुल हम दबा नहीं रहे, बहुत हल्के हाथ से इसे हम एक में मिला रहे हैं। बस आपको यही प्रोसेस करना है, रगड़ना नहीं है, रोटी जैसा आटा इसको मसलना नहीं है। ये देखिए इस तरह से, और जितना हमने पानी लिया था उतना पानी लग गया, यानी कि एक कटोरी में आधी कटोरी घी और पानी मिला के लग गया। ये देखिए इस तरह से पूरा चल गया। और आटा जो है रोटी से जो हम रोटी बनाते हैं उससे थोड़ा सा हम वो कड़क रखेंगे, ऐसे मसलना नहीं है इसे, रोटी से थोड़ा सा कड़क रखेंगे। और ये देखिए इस थोड़ी देर बाद ये सब आपस में जुड़ जाएंगे और इसे हम ढककर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम थोड़ा सा एक बार हल्के हाथ से चिकन कर लेते हैं। अब इसे क्या करेंगे, यहीं से ऐसे तोड़ेंगे और आपको हल्के हाथों से, दबाना नहीं है, बहुत हल्के हाथों से इस लोई को चिकन करना है। और आप जब बनाएंगे ना तो साइड साइड से फटाफटा लगेगा, लेकिन उसे आप इस तरह से करते जाएंगे और हाथ से थोड़ा सा टाइम देकर उसे चिकन करेंगे तो आराम से बन जाता है। और मैं आपको दूसरा भी तरीका बताऊंगी। और ये देखिए जहाँ भी आपको लगे कि फटा उसे हल्के हाथ से करिए, पर अंदर तक दबाना नहीं है, वरना जो इसके लेयर बनते हैं वो ख़राब हो जाएंगे। और इस तरह से देखिए ये ऐसे उंगली करेंगे और साइड का जो भी है उसे हम साइड साइड से ठीक करते चलेंगे। ये बहुत ही इजी है और बहुत जल्दी बन जाती है, बस थोड़े से प्रोसेस को ध्यान रखना है कि कैसे आटे को सानना है और किस तरह से करना है। देखिए इस तरह से हम जो है, आप साइज़ अपने हिसाब से रखिए, कितना बड़ा कितना छोटा करना है। और आपको अब जो है एक दूसरा तरीका बताते हैं, इसमें जो है लेयर कैसे बनाते हैं, इसको हम इस तरह से करेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम 7 लेयर बनाएंगे इसकी, ऐसे करेंगे, इसको इस तरह से काटेंगे बीच में से और फिर जो है एक के ऊपर एक हम इसको रख देंगे और फिर इन सब को इस तरह से हम मसलेंगे
और फिर से हम इस तरह से हम इस प्रोसेस को कम से कम 7 बार करेंगे। और ये देखिए इस तरह से हम करेंगे तो इससे जो है लेयर बनती जाती है, जो है बालूशाही में एक अच्छी लेयर आती है। देख रहे हम इसको बस मसल रहे हैं और इसके बाद मिक्स नहीं करते हैं, बस ये देखिए इस तरह करेंगे और फिर इसको कट करेंगे और एक के ऊपर एक रख कर इस तरह से पूरा हमें 7 टाइम करना है, 7 बार इस तरह से करना है हमें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स है, हमें रोटी के जैसे नहीं सानना होता है। अब क्या करेंगे, आधा हिस्सा लेके इसको उसी में से मिलाएंगे, रोल बना लेंगे इसका, इस तरह से ऐसे रोल करेंगे और हमें जितना बड़ा बालूशाही बनाना है उतने बड़े बड़े कट लगा लेंगे। और इसको हम कुछ भी बहुत सॉफ्ट हाथ से करेंगे, ये वीडियो हम थोड़ा जल्दी भगा रहे हैं क्योंकि बहुत लंबा बन रहा है, तो मैं इसे सॉफ्ट हाथ से ही इसको बनाएंगे ताकि लेयर इसके ख़त्म ना हो। और ये साइड साइड में जब भी आपको लगे कि कट रहा है उसे चिकन करिए और बीच में से ये देखिए आराम से बन जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है। और ये जो है साइड के आप इस तरह से दबा दें, आप उंगली से कर दीजिए या पेंसिल हो या कोई ऐसे स्टिक्स हो आप उससे भी कर सकते हैं। और ये देखिए और साइज़ जो है आप अपने हिसाब से इसे बना लेंगे और ये बहुत आसानी से बनता है। और लेयर का मेन ध्यान रखना है इसे, जो इसका मेन टिप्स है वो यही है। ये देखिए आराम से चिकन बन जाती है और इसी तरह हम सारा बना लेंगे। और ये देखिए और बहुत हल्के हाथ से, याद रखिएगा हल्के हाथ से ही इसे बनाना है, बहुत दबा के नहीं, उसकी लेयर नहीं ख़त्म होनी चाहिए। यहाँ हमने तेल रख दिया एक साइड में गरम होने के लिए, अब और इधर चाशनी को भी गरम कर लेंगे हल्का सा, क्योंकि तलने के बाद डायरेक्ट उसमें डालेंगे, बहुत खोल आएंगे नहीं, बस हल्का सा गरम हो जाए चाशनी, बस इतनी ही करेंगे। अब इधर जो है हम डाल देंगे इसमें अपने जो हम एक डाल कर देखेंगे, क्योंकि ये डालने के बाद ऊपर अपने आप आना चाहिए इसे, और इसे हम इसी तरह छोड़ देंगे, तुरंत नहीं चलाएंगे। आँच इस समय हमारी एकदम लो रहेगी, मीडियम टू लो पे रहेगी, हाई फ्लेम पे नहीं करना है वरना तो ये ऊपर से पक जाएंगे अंदर से कच्चे रहेंगे, तो इसे हमें स्लो आँच पे पकाना है, एकदम लो आँच पे पकाएंगे। और इसे देखिए जितना एक बार में आवे आप उतना ही बने, तो मेरा तो थोड़ा सा था तो इसलिए मैं जितना था वो सब एक बार में डाल दी। और इसे हमें तुरंत नहीं छूना है वरना तो ये इसे हम थोड़ी देर, और आप देखिएगा धीरे धीरे पक के ये ऊपर की साइड में आने लगे, देखिए ये अपने आप ऊपर की ओर आने लगते हैं हल्के होके, क्योंकि ये अंदर से एकदम लेयर पे है तो अंदर तक एकदम उसकी एयर भर जाती है, बहुत हल्के से हो जाते हैं ये। और ये देखिए इस तरह से हमें अब जब ऊपर की ओर आ जाएंगे तब हम इन्हें एक एक करके पलटेंगे। और आँच आपको बताया, याद रखना है फ्लेम जो है इसकी लो होनी चाहिए, उस पर धीरे धीरे आँच पे हम इसे पकाएंगे और इसे हम पलट पलट कर इसे इस तरह से सेक लेंगे। और इसको हम बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं रखें, कलर आप अपने इच्छा अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता है। और ये देखिए इसे अब कलर आने लगे हैं, बस हमें इसी तरह बनाने का है और इसके कलर आने तक हम इसे हल्का हल्का चलाते रहेंगे, पलटते रहेंगे इसे, और इस तरह से हम इसे बनाएंगे। और अब अच्छा सा कलर आ गया है वहाँ पे हम इसे, और ये देखिए अब करीब करीब कलर आ गए हैं। आप जो है जी कलर अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ जो हमने चाशनी गर्म करके रखी थी उसमें एक एक करके डालते जाएंगे और उसे हल्का हल्का प्रेस कर देंगे ताकि वो अंदर तक दब जाए। इस तरह से हम देखिए एक एक डाल देंगे। और ये जो है बालूशाही हमारी गर्म है इसलिए वो चाशनी हल्की सी गुनगुनी है। और जो हम एक तार की चाशनी इसमें बनाते हैं उसमें एक तार जब कंप्लीट हो जाता है उससे 1-2 सेकंड पहले ही हमें गैस बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गैस जो है एक तो चाशनी गर्म होती है वो ठंडी होकर थोड़ी गाढ़ी होती है, और उसके बाद जो है हम बनाने के लिए फिर भी गर्म करते हैं थोड़ी। तो ये एक छोटी सी टिप्स है। और ये ऊपर से आप पिस्ता लगा दीजिए, अगर आपके पास चांदी के वर्क है तो वो लगा दीजिए। और ये देखिए हमारी बनकर तैयार हो गई है। इतने सारे त्यौहार हैं अभी लाइन से बने हुए हैं, आप बनाकर रख लीजिए, लोगों को सर्व करिए। और आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो मेरा शेयर करें, फुल वॉच करें और जो है कमेंट्स करके बताएँ हमारी रेसिपी कैसी लगती है, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई नई रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। लुक्स यमी, स्वाद यमी, वाह, नए लोग सब्सक्राइब करें।